ओके नमस्कार, आप देख रहे हैं रैवली समाचार। अभी हम कर रहे हैं डिग्री कॉलेज चौराहे पर और यहाँ पे चाय की दुकान है और लोकसभा चुनाव की तैयारियाँ लगभग पूरी हो गई हैं, लेकिन पूरे शहर और पूरे ज़िले में ये एक चर्चा का विषय बना हुआ है। चाहे वो भाजपा पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, अभी तक कोई भी प्रत्याशी की घोषणा नहीं की गई है। मात्र 48 घंटे रह गए हैं और आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि अभी तक प्रत्याशी नहीं घोषित हुए हैं, इस पर जनता क्या कहना चाहेगी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है गोविंद कुमार गुप्ता। चाहे वो भाजपा पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, अभी तक कोई प्रत्याशी घोषणा नहीं किया, इस पर क्या कहेंगे आप? अब इस पर तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं कि अभी जो है कुछ हुआ नहीं है, लेकिन हमारा जहां तक ये कहना है कि हम लोग शुरुआत से कांग्रेसवादी रहे हैं और आज भी हैं और हमेशा रहेंगे, क्योंकि उसमें जो है क्या कांग्रेस को इस बार डर लग रहा है कि रावली भी अब तक मात्र 48 घंटे रह गए हैं, अभी तक घोषणा नहीं की। नहीं, डर तो नहीं लग रहा है, लेकिन जहां तक हमारा ये कहना है कि जो हमारे सुनने में आया है कि वो गए हैं अयोध्या रामलला के दर्शन करने, दर्शन करने के बाद वापसी आएंगे, तब यहाँ से कुछ हो सकता है। वहीं पर हमारे साथ ये भाई साहब खड़े हुए हैं, क्या नाम है आपका? क्या कहना चाहेंगे? अभी तक मात्र 48 घंटे रह गए हैं, अब एकदम लास्ट मोमेंट, अभी तक किसी भी पार्टी ने घोषणा नहीं की, क्योंकि अभी इस समय लास्ट मोमेंट है कि जहां तक अभी की नामांकन कुछ हुए ही नहीं है, जो कि बचे हुए शेष दो दिन बचे हुए हैं, इसमें कुछ ना बीजेपी प्रत्याशी है ना कोई कांग्रेस प्रत्याशी है। इस पे एक जनता में हलचल मची हुई है, कि कांग्रेस की गढ़ है तो फिर कांग्रेस की कुछ बड़ा चेहरा देखना चाह रहे हैं। बीजेपी का भी कोई पक्का नहीं है कौन सा चेहरा यहाँ पे आए, तो कांग्रेस में प्रियंका गांधी का नाम ज़्यादातर आ रहा है, तो उम्मीद यही है कि प्रियंका गांधी आए तो फिर कांग्रेस गढ़ है, जाहिर सी बात यहाँ से जीत हासिल होनी है। वहीं पर हमारे साथ और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, क्या नाम है भाई साहब आपका? श्यामलाल। क्या कहना चाहेंगे आप काहे के बारे में? 48 घंटे चुनाव रह गए हैं, मतलब नामांकन के, और अभी तक किसी भी पार्टी ने घोषणा नहीं की। अब दोनों पार्टियां एक दूसरे को देख रही हैं, पहले कौन प्रत्याशी कहां खड़ा करता है, कोई बाहरी खड़ा करता है या लोकल प्रत्याशी खड़ा करता है, कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है यहां जी, पे। जी हाँ। और इतनी देरी क्यों लगाई गई? अब कांग्रेस की अपनी सोच है, बीजेपी की अपनी सोच है। अब नहीं, दोनों पार्टियां ने की अभी तक घोषणा नहीं की, तो क्या कहेंगे? तो अपना जो भी समय आएगा तो अपना उनके हिसाब से करेंगे। ठीक, धन्यवाद आपका। वही दुकान पे खड़े हुए हैं और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? दिलीप कुमार। क्या कहना चाहेंगे आप? अभी तक ना कांग्रेस ने ना भाजपा ने किसी भी पार्टी ने ये घोषणा नहीं की है कि कौन सा प्रत्याशी आते नामांकन। देखिए, समय से प्रत्याशी घोषित हो जाता तो बेहतर होता, जनता कम से कम जानती कि हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए कौन सा तैयार हो रहा है। अब अचानक से कोई प्रत्याशी आएगा, वैसे जनता रायबरेली की समझदार है और विकास के नाम पर वोट करेगी। विकास के नाम पर इनका कहना है कि रायबरेली जनता विकास के नाम पर वोट करेगी। वहीं पर और भी लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और ये देखिए, अभी हम खड़े हैं यहाँ बेवफा चाय वाली की दुकान पर, उस लोग चाय ले रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा राजीव कुमार ओझा। क्या कहना चाहेंगे? अभी तक कांग्रेस पार्टी या कोई भी पार्टी हो, प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की गई। प्रत्याशी ये रायबरेली जहाँ तक ये कांग्रेस का गढ़ है माना जाता है, तो इसलिए दोनों हॉट सीट है, यहाँ पे भाजपा और कांग्रेस के यहाँ पर कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, तो इसलिए अभी दोनों पार्टियों का कोई भी कैंडिडेट नामांकन नहीं किया है। अच्छा, तो जनता किसे चुनना पसंद करेगी, विकास को या कि और किसी को? जनता विकास देखेगी, विकास के नाम पे। विकास के नाम पे आपकी वोटिंग होगी। आप कहा है कि रायबरेली जनता है विकास के नाम पर वोट करेगी और कुछ लोग कांग्रेस के बारे में बोल रहे थे। यहाँ पर अभी और भी लोग खड़े हुए हैं, आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि नामांकन के मात्र 48 घंटे रह गए, रायबरेली का गढ़ है और इतनी देरी में होने पर यहाँ की जनता में रोष है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रायबरेली समाचार।